रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ है और दागिस्तान में चर्च पर यह आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में पादरी समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। रूस के दागिस्तान में 2 जगहों पर गोलीबारी की गई है और जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो रूस में जो हमला हुआ है उस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है और आप देखिए किस तरह से यह आतंकी हमला हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 5 आतंकियों को भी मार गिराया गया है और ये तस्वीरें भी अब आपके सामने, चर्च में किस तरह से आग लगी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई भी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो आईएसआईएस का ये हमला और रूस में एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए 5 आतंकियों को मार गिराया गया और ये बड़ा हमला आईएसआईएस का रूस में। और अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला किया गया, यहूदी प्रार्थना घर जिसको कि सिनेगॉग कहा जाता है उस पर हमला किया गया, इसी के साथ साथ चर्च पर हमला किया गया। हमले के बाद चर्च में आग लगी है, आगजनी की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। वहीं पादरी समेत कई लोगों की इस घटना में मौत हो गई, इस आतंकी हमले में मौत हुई है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी, आपको ये भी बता दें कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी भी आईएसआईएस ने ले ली है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, यहूदी प्रार्थना घर पर चर्च पर हमला हुआ, उसके बाद पादरी समेत कई लोगों की मौत हो गई और मुठभेड़ में आतंकियों को भी मार गिराया गया है। रूस में यह आतंकी हमला और किस तरह से आप देखिए दहशत फैलाने की कोशिश की गई। और आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दागिस्तान में आखिरकार हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या हुआ था। रूस में आपको देखिए दागिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसके बाद राजस्थानी माप चकाला और इसी के साथ साथ डर्बिट शहर में यह हमला हुआ। दागिस्तान में यहूदी प्रार्थना घर पर हमला हुआ, वहीं दागिस्तान में ही चर्च पर आतंकी हमला किया गया। बात कर लिया अगर माकचकाला की तो पुलिस चौकी पर यहां पर हमला किया गया। आतंकी हमले में पादरी समेत कई लोगों की मौत हो गई है, कई पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है, कई लोग इस पूरे आतंकी हमले में घायल हुए हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में 5 हमलावरों को मार गिराया गया है और इस सब घटना के बाद आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। तो रूस में एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की गई और चाहे सिनेगॉग हो या फिर चर्च हो, इस पर हमला करके आप देखिए कैसे लोगों पर यह आतंकी हमला किया गया और इसी के साथ साथ आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। इसके साथ साथ रूस का दागिस्तान प्रांत आपको बता दें आतंकियों के निशाने पर था। कैसे यहां पर हमलावर हमला करते गए ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं और आतंकी बेखौफ होकर फायरिंग करते रहे, लेकिन लोग जान बचाने के लिए जगह जगह पर भाग रहे थे। आईएसआईएस ने अब इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर देखिए। रूस का दागिस्तान आतंकी हमलों से तहल उठा। दागिस्तान के माकचकाला और डर्बन शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आईएसआईएस के आतंकी बेखौफ होकर गोलीबारी कर रहे हैं। दागिस्तान में हमला कितना बड़ा है ये आप फायरिंग की आवाज से समझ सकते हैं। दरअसल रूस के दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। माकचकाला और डर्बन शहर में घुसकर आईएसआईएस के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों ने सबसे पहले यहूदी प्रार्थना घर पर हमला किया, उसके बाद डर्बन में चर्च पर हमला किया जिसमें एक पादरी की मौत हो गई। फायरिंग के बाद चर्च में आग भी लग गई। दागिस्तान की राजधानी माकचकाला में आतंकियों ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया जिसमें कई पुलिस अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दागिस्तान आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस के गृह मंत्रालय ने आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में अब एक बड़ी जानकारी दी है और उनका बड़ा दावा है, बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में चर्च के अंदर कोई बंधक नहीं है। तो रूस की ओर से ये बड़ा बयान, आधिकारिक बयान आया है गृह मंत्रालय की ओर से कि कोई भी बंधक नहीं बनाया गया है, चर्च के अंदर अभी कोई भी बंधक नहीं बनाया गया, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ है। सीधे सबसे पहले रुक करते हैं प्रणय आपका, इस पूरे मामले में आप देखिए आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास प्रणय?
देखिए आंकड़ों आप भी बता रही हैं शिवांगी, और अगर बात की जाए बीते 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस आतंकी हमले को रूस में हुए, और अगर आप बीते 3 महीनों में देखें तो ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला रूस के अंदर हुआ है। इससे पहले क्रॉकस हॉल के अंदर जिस तरीके से हमला हुआ था 145 लोग उसके अंदर मारे गए थे, और वो भी बड़ा आतंकी हमला था, उसमें भी आईएसआईएस की भूमिका सामने आई थी। इसके अलावा अगर इस हमले की बात की जाए तो इस हमले को भी सोच समझ कर निशाना बनाया गया, खासतौर पर ये रूस का दक्षिणी हिस्सा है, अजरबैजान और चेचनिया से जो है इलाके से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं, साथ में कैस्पियन सागर, तो ये लोकेशन में इसलिए भी आपको बता रहा हूं ताकि इस इलाके को समझा जा सके। और साथ ही अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इसके अंदर 9 लोगों के मारे जाने की अब तक सूचना है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कैजुअल्टी हुई है वो कैजुअल्टी हुई है सुरक्षा बलों की, और 16 लोग इसके अंदर घायल हैं, जिसमें 13 पुलिसकर्मी इसमें शामिल है। और जहां तक आतंकियों का सवाल है, 5 आतंकियों को मार गिराया गया है, यानी जो नेशनल एंटी टेरर एजेंसी है रशिया की, उसकी तरफ से कहा गया है कि जो ऑपरेशन का एक्टिव फेज है वो अब खत्म हो चुका है, यानी 5 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन अभी भी पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जो रशियन फोर्सेस का है वो चल रहा है। लेकिन धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर दिया गया है, और सीरिया के अंदर रशियन फोर्सेस और आईएसआईएस के बीच में टकराव होता रहा। बिल्कुल प्रणय, और देखिए पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ अश्विनी कुमार जी भी हमारे साथ है, उनसे भी अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह के हालात रूस में बन रहे हैं, और एक के बाद एक आप देखिए कि आतंकी रूस को निशाना बना रहे, चर्च से लेकर सिनेगॉग से लेकर पुलिस की पोस्ट पर, ऐसे में सवाल बड़े यही खड़े हो जाते हैं कि रूस जो बड़े बड़े दावे करता है सुरक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है अश्विनी जी। हाँ शिवानी, इसमें कोई शक नहीं कि ये दूसरा हमला है चंद एक समय में जो हुआ है रूस में, और ये दास्तान में जिस प्रकार से ये हमला को अंजाम दिया गया है आईएसआईएस ने, ये एक बड़ा खतरनाक है। और यहूदी प्रार्थना स्थल और चर्च पे हमला करके कम से कम 10 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है दागेस्तान में, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और जो रूस की सिक्योरिटी फोर्सेज है, यूं तो वो दावा कर रही हैं कि उन्होंने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है, मगर अभी भी आतंकवादी छुपे हुए हैं ऐसा भी सुनने में आया है, जिस प्रकार से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये सच्चाई है, एक प्रकार से आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा है रूस, क्या ये दक्षिण का हिस्सा जो अजरबैजान के साथ मिलता है, और ये भी सच्चाई है, यहाँ पर जो आईएसआईएस है वो अपना पैर पसार रहा है, और जब तक इसको ये खत्म नहीं कर पाएगी रूस की जो स्टेट फोर्सेज, तब तक आप देखेंगे कि यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से रूस के अंदर ये सेकंड हमला हुआ है, और हर बारी हमला जो होता है वो पहले हमले से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। सही बात कह रहे हैं आप। संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ है। संजय जी, कहीं ना कहीं रूस दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ आप देखिए यूक्रेन के साथ लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया है यहाँ युद्ध जारी है, उसके साथ साथ इस तरह से आतंकी हमले, रूस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही कि जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए। इसमें कोई शक नहीं शिवानी कि जिस प्रकार से रूस के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, अभी आप देखेंगे कि अगर इस तरह के जो आईएसआईएस का हमला है ये अभी नया नहीं है, ये पुराना है। 94, 96, 99, 2000 चेचेनिया में हर हमेशा इस तरह के हमले इस्लामिस्ट के द्वारा रूस के बरखिलाफ होते आए हैं, तो लेकिन अब इस होना, और जहाँ पे कीव और खारकीव का जबरदस्त वहां पे प्रेशर बढ़ना, वहां पे फिर जिस प्रकार से मिसाइल फायर कर रहा है रूस, और जिस प्रकार से कीव फायर कर रहा है क्रीमिया में, ये साफ दर्शाता है कि अब अमेरिकन प्रेशर रूस के ऊपर बढ़ रहा है, और वहां से आईएसआईएस। अब ये सोचने वाली बात ये है कि आईएसआईएस जो है उसका खास जो दुश्मन है वो है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला और आईएसआईएस दोनों दुश्मन है, और हिजबुल्ला के साथ कौन खड़ा है? ईरान। ईरान के साथ कौन खड़ा है? रूस। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो रहा है, जहां पे रूस बार बार कहीं ना कहीं बातें निकलती है कि न्यूक्लियर के ऊपर हम दोबारा बातचीत करने के लिए सोचना पड़ेगा हमें। तो ये जो है ये धीरे धीरे करके संकट बढ़ता जा रहा है, और ये संकट क्योंकि एक तरफ इसराइल का हमास के साथ जबरदस्त लड़ाई चल रही है, इधर आईएसआईएस की हिजबुल्ला के साथ लड़ाई चल रही है, इधर रूस सीरिया के अंदर है, ईरान सीरिया के अंदर है, इराक में इसके बेसिस है, अमेरिकन बेसिस है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें रूस के ऊपर दबाव बिल्कुल संजय जी, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड भी नजर आता है। प्रणय के पास मैं चलूंगी। प्रणय, देखिए एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चली रहा है, इसके साथ साथ हमास इसराइल का जो ये युद्ध चल रहा है, और जिस तरह से रूस में खासकर आप देखिए ज्यूइश कम्युनिटी को भी यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, सिनेगॉग पर हमला किया गया, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है यहां पर?
देखिए धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, इस पूरे इलाके को जिस तरीके से जनरल सिवाज भी बता रहे हैं, जनरल कुलकर्णी ने भी समझाया था हम लोगों को कि इस पूरे इलाके के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी दागिस्तान के इलाके के अंदर आतंकी घटनाएं होती रही हैं और इसकी ज्योग्राफी से समझा जा सकता है। चेचनिया से जुड़ा हुआ ये इलाका, अजरबैजान से जुड़ा हुआ इलाका, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आर्मेनिया के साथ में जिस तरीके से रशिया ने साइड किया था उसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर टेंशन वैसे ही बढ़ा हुआ है। हाल में भी कोई आतंकी घटनाएं इस पूरे इलाके के अंदर छुटपुट हुई हैं, लेकिन क्रॉकस की घटना के बाद से माना जा रहा था कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो इस समय वेरी हाई अलर्ट पे हैं और इस हाई अलर्ट के दौरान इस तरीके की घटना को अंजाम देना किसी आतंकी संगठन के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से एक सिनेगॉग को यानी ज्यू कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है, इसके अलावा जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, रशिया के अंदर सबसे बड़ी संख्या जो है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के फॉलोअर्स की है और इसलिए अगर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को निशाना बनाया जाता है तो ऐसे में रशिया या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर और बढ़ता है, जो घरेलू प्रेशर है वो बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं एक रशिया के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको बढ़ाने के लिए भी ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि रशियन फोर्सेस की तरफ से इस मामले के अंदर कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि हमने क्रॉकस हॉल की घटना बिल्कुल और इंतजार भी करना होगा क्योंकि आधिकारिक बयान अभी आने और भी बाकी। अश्विनी कुमार शिवाज जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए एक के बाद एक कहीं ना कहीं पुतिन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनका कार्यकाल शुरू हुआ ही है, वो लगातार अब देखिए दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आतंकी हमला और कैसे है? बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है लेकिन देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो शिवानी सच्चाई क्या है कि अब जो जिस प्रकार से अभी हथियार मिलने हैं यूक्रेन को, पहले $62 बिलियन सैंक्शन हुआ, अभी दूसरे देश चाहे जर्मनी है चाहे यूके है चाहे इटली है, सब ने अलाउ कर दिया है कि उनके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन रूस के ऊपर वार करने के लिए, जो कि अभी तक नहीं किया गया था। तो अब जिस प्रकार से क्रीमिया के ऊपर हमले हो रहे हैं यूक्रेन से, ये भी एक प्रकार कॉज ऑफ कंसर्न है रूस के लिए। आप देखेंगे कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा क्योंकि अब जो यूक्रेन को हथियारों के कारण यूक्रेन के पास कोई कमी नहीं रहेगी, पलटवार होगा और इधर से जो रूस है वो भी खार्किव जिसको फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है यूक्रेन का, उस पर हमला कर रहा है। तो ये सोचना कि अब क्या ये लड़ाई खत्म होने की तरफ जा रही है, मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ने की तरफ जा रही है और ये लड़ाई अब आप देखेंगे कि मेन लैंड है जो रूस का उसकी अंदर जाएगी और जिस प्रकार से क्रीमिया बिल्कुल और शायद यही वजह रही संजय कुलकर्णी जी कि देखिए रूस ने पहली बार अपनी ओर से इतने मुखर होकर साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन के साथ हम समझौते के लिए तैयार हैं, नेटो कंट्री में शामिल होने से यूक्रेन जो है वो अपने हथियार रख दे, कहीं ना कहीं समझौते की बात करता हुआ रूस नजर आया था क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा जरूर हो गया था कि अब ये युद्ध जो है वो और बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला किसी भी स्तर पर। बिल्कुल, इसी यही कारण है कि पुतिन नॉर्थ कोरिया गए, पुतिन चीन के साथ संबंध बढ़ा रखे हैं, ईरान के साथ संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, ईरान से ड्रोन आ रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ये सब क्या दर्शा रहा है कि रूस अपना धीरे धीरे करके यकीन कर रहा है कि कहीं अगर ये धारा फैल जाता है और जो पीस टॉक्स हो रहे हैं स्विट्जरलैंड में उसमें रूस है ही नहीं, मतलब जो लड़ रहे हैं जिनके लिए लड़ाई रोकनी है वो उसका एक पार्टनर है ही नहीं उधर, तो ये सब दर्शाता है कि रूस के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है और कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता भी है कि ये धारा ना बढ़े लेकिन इसको बढ़ने से रोकने के लिए रूस ने भी भाग लेना है, यूक्रेन ने भी लेना है। यूक्रेन कहता है सीज फायर तभी होगा जब रूस पूरा का पूरा यूक्रेन से बाहर निकलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पर रूस ने 20% यूक्रेन को घेर रखा, घेरने अपने भाग में ले लिया है और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे इसमें जहां पे आप देखते हैं लड़ाई क्रीमिया को लेकर के, खार्किव को लेकर के, लापोरिज्या